सीए को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि सीए लागू हो चुका है, वहीं केंद्र सरकार कह रही है कि किसी भी हाल में सीए को रोका नहीं जाएगा, सीए बदला नहीं जाएगा, वहीं लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आखिर होगा क्या सीए को लेकर? तमिलनाडु के वानियम्बड़ी में सीए को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और कई लोग इसमें लगातार 3 दिन से बैठे हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि शाहीन बाग में सीएनआरसी को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इस दौरान बड़ी संख्या में युवा, महिला, बच्चे और पुरुष वहां मौजूद थे जो कि इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। तो इस दौरान उन्होंने मोबाइल की लाइट लगाकर भी, जलाकर भी प्रदर्शन किया, विरोध किया और नारे लगाते रहे। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में मौजूद बच्चों की वजह से पुलिस ने उन्हें चेतावनी भी जारी की है कि इस तरह के प्रदर्शन और नारों में बच्चों को शामिल नहीं होना है। इसको लेकर पुलिस की ओर से चेतावनी दी गई है। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मान लेती है। इस तरह का इन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, ये काला कानून वापस नहीं लेती है, हम इसी तरह का विरोध करते रहेंगे।